गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 10, अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस किसे कहते हैं? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे कोई भी परचेज और सेल गुड्स की वो नहीं करते हैं ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए, मतलब प्रॉफिट अर्निंग उनका मेन मोटिव नहीं होता है। उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, मेन मोटिव होता है, दैट इज़ सोसाइटी को सर्विस देना, या फिर जो उस नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स हैं उनकी कॉमन नीड्स को सेटिस्फाई करना। जैसे इसमें अगर हम एग्जांपल्स लें तो किस किस को हम इंक्लूड कर सकते हैं? इसमें हम क्लास लाइब्रेरीज को इंक्लूड कर सकते हैं, रिक्रिएशनल सोसाइटीज को इंक्लूड कर सकते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, एसोसिएशंस, डॉक्टर्स की, एडवोकेट्स की, टीचर्स की, स्पोर्ट इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा जो हैं हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इनका जो ऑब्जेक्टिव है इन इंस्टीट्यूशन का, वो प्रॉफिट को अर्न करना नहीं होता है। जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसमें हम प्रोफेशनल्स को भी इंक्लूड करते हैं। प्रोफेशनल्स वो प्रोफेशनल्स जो गुड्स में डील नहीं करते हैं, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन वो सर्विसेज में डील करते हैं। जैसे इसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम एडवोकेट्स को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, कॉस्ट अकाउंटेंट्स को, टैक्स कंसल्टेंट्स को, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स को, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स एक्सेट्रा को। और जो भी इन इंस्टीट्यूशंस की ट्रांजेक्शन्स होती हैं मोस्टली कैश में होती है, तो जो नॉर्मल आप अभी तक अकाउंट्स का प्रोसेस सीख के आए हैं कि किस तरीके से वो अकाउंट्स अपने मेंटेन करती है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, उस तरीके से ये अपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं। ये जो मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन्स का वो तो करते हैं, लेकिन फुल अकाउंट बुक्स ये प्रिपेयर नहीं करते, मेंटेन करते हैं ये रिकॉर्ड्स कैश सिस्टम के थ्रू। तो जो एसेट है उसका सेपरेट रजिस्टर ये मेंटेन करते हैं। अगर कुछ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस हैं तो उसके लिए एक मेमोरेंडम बुक प्रिपेयर कर लेते हैं, और एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी आपकी कैश बुक है उसे एक क्लासिफाइड समरी ये प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कहा जाता है। इसके अलावा अपना जो भी उनका इनकम हुआ है या जो भी उन्होंने एक्सपेंडिचर किया है, तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर या एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम को जानने के लिए वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, और फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए वो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो मेनली थ्री जो है फाइनल अकाउंट्स इसमें नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बनाती हैं, जो वो प्रिपेयर करती हैं। वो कौन कौन से हैं? आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड देन आपका बैलेंस शीट। तो हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट है हमारा दैट इज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स। ये जो अकाउंट है वो आप कैश बुक से बनाते हैं। एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली समरी है आपके कैश ट्रांजेक्शंस की जो पर्टिकुलर पीरियड में हुई है। एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है ये जो आप बनाते हैं जब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, तो ये जो शुरुआत होती है इसकी वो होती है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश से, जो आप डेबिट साइड पे लिखते हैं, और जो भी आपको रिसिप्ट्स हुई हैं वो चाहे किसी भी ईयर से बिलोंग करे, चाहे वो पास्ट से है, चाहे वो प्रेजेंट से है, चाहे वो फ्यूचर से है, या फिर चाहे वो कैपिटल नेचर की है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की है, आप उसे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। मतलब वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, अगर कैश रिसीव हुआ है या कैश पेमेंट हुई है तो उसे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर रिसिप्ट्स है तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे, और अगर आपकी पेमेंट्स है तो उसे आप रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे जब भी आप इसमें कोई भी एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको कोई डिफ्रेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है कि वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, या फ्यूचर का है, या वो कैपिटल नेचर का है, या फिर वो रेवेन्यू नेचर का है। और ये जो आप जब ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो लास्ट में जो आपके पास निकल के आता है बैलेंस, आपको क्लोजिंग बैलेंस मिलता है कैश का, और जो ये क्लोजिंग बैलेंस है कैश का वो आप जो आपकी बैलेंस शीट है एट द एंड ऑफ द ईयर उसमें शो करते हैं। साइलेंट फीचर्स क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के? रियल अकाउंट है, इस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स को शो किया जाता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को आप यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते। ये अकाउंट शुरू होता है विद ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, और ये आप शो करते हैं डेबिट साइड के अकाउंट में टू बैलेंस बी डी लिखकर।
जो भी आपका रिकॉर्ड है सभी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का, चाहे कैपिटल है चाहे रेवेन्यू है, वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट साइड में आप रिसिप्ट्स रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड में आप पेमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। फिर दोनों साइड्स का जब आप डिफरेंस निकालते हैं, तो अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो आपका जो बैलेंस आएगा वो ओवरड्राफ्ट शो करेगा। और अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है, तो जो आपका बैलेंस शो होगा वो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा कैश का या बैंक का, जिसे आप बाय बैलेंस शीट ही करके लिखते हैं। तो वो जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा आपका कैश बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस, उसे आप जो भी आपकी ईयर एंड में आप बैलेंस शीट बना रहे हैं उस बैलेंस शीट में आप शो करते हैं। अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और कैश अकाउंट में डिफरेंस क्या है? जो मेजर डिफरेंस है दोनों में, दैट इज जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, इसमें जो आइटम्स आप लिखते हैं उसे समरी फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसमें डेट वाइज आप एंट्री नहीं करते हैं, जबकि जो कैश अकाउंट है उसमें डेट वाइज आप एंट्री करते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं, जबकि जो आपका कैश अकाउंट है वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आप एक आइटम को एक ही टाइम लिखते हो, मतलब हेडिंग वाइज आप उसमें लिखते हैं, जबकि जो आपका कैश अकाउंट है एक आइटम को कई बार आप लिख सकते हैं। वहाँ पे आप जो आइटम्स रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन वाइज डेट वाइज आप लिख रहे हैं। सपोज़ हम अगर एग्जांपल लें, अगर आपको कैश रिसीव हुआ है, सपोज़ आपको फर्स्ट जो डेट थी उसको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई 500 की, देन 10th को सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई 600 की, 12th को सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई 1500 की, तो आप कैश बुक में जब लिख रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन, जैसे अगर हमने 12th तक ही लिखा 15 तक ही लिखा, तो आपने तीन बार सब्सक्रिप्शन लिख चुके हो। लेकिन जब हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ हम सिर्फ एक ही हेडिंग देंगे सब्सक्रिप्शन की, और जो भी टोटल हमें रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड उसे हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में अंडर द हेडिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन आप शो कर देंगे। तो जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वहाँ हेडिंग वाइज हम लिखते हैं, जबकि जो आपका कैश अकाउंट है वहाँ ट्रांजेक्शन वाइज आइटम्स को लिखा जाता है। देन फॉर्मेट क्या है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड लिख देंगे आप जो भी डेट है आपकी। डेबिट साइड पे आपने रिसिप्ट लिखना है और क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स। अब जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी जो आइटम्स होती हैं रिसिप्ट्स की या पेमेंट्स की या इनकम की या एक्सपेंडिचर्स की, वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होती हैं। वो कौन सी होती हैं हम पढ़ेंगे वो सभी आइटम्स। एट प्रेजेंट के लिए हम ये देख लेते हैं कि फॉर्मेट क्या है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का। तो जैसे रिसिप्ट्स अकाउंट है, शुरू होता है हमने बात की कैश इन हैंड या कैश एट बैंक के ओपनिंग बैलेंस से, देन क्लोज होता है वो बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस जो भी आपका कैश इन हैंड और कैश इन बैंक होगा। देन कौन कौन सी आइटम्स है रिसिप्ट्स की? सब्सक्रिप्शंस, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशंस, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, इंटरेस्ट, रेंट और अदर आइटम्स जो भी कोई भी रिसिप्ट नेचर की है। देन पेमेंट्स की बात करें तो बाय परचेजेस, रेंट, ऑनरेरियम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सैलरीज, परचेज ऑफ यूटेंसिल्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं। ये था हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ये अकाउंट नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोफेशनल्स प्रिपेयर करते हैं, जो भी उनकी इनकम और एक्सपेंडिचर है ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड उसे कंपेयर करने के लिए। ये इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, अभी हमने बोला कि जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। इसका मतलब ये है कि जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो सिर्फ करंट जो अकाउंटिंग पीरियड है सिर्फ उसके लिए आप बनाते हो, मतलब जो प्रेजेंट अकाउंटिंग ईयर से आइटम्स रिलेट करती हैं, अमाउंट रिलेट करती है, सिर्फ हम उसे यहाँ पे लिखते हैं, हम पास्ट और फ्यूचर की चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखते। तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप एडजस्टमेंट्स करते हैं प्रीपेड की और आउटस्टैंडिंग की, इनकम की या एक्सपेंसेस की, तो सेम तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी जो भी आपकी आइटम है उसमें से जो भी आपके आउटस्टैंडिंग या फिर आपके प्रीपेड की जो भी एडजस्टमेंट है उसी तरीके से होगी। जो भी आपके सारे एक्सपेंसेस हैं आप उसे लिखते हैं डेबिट साइड पे, और जो भी आपकी इनकम है सारी उसे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पर।
जो पर्पस है इस अकाउंट को प्रिपेयर करने का वो ये देखना कि आपकी इनकम और एक्सपेंसेस कितने हैं, क्या आपकी इनकम इतनी है कि आप सारे अपने एक्सपेंसेस मीट आउट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सेम प्रिंसिपल सेम रूल्स इस पे फॉलो होते हैं प्रिपेयर करते हुए, जो आप फॉलो करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस अकाउंट को भी जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इसमें कैश इनकम कैश एक्सपेंसेस तो कंसीडर किए ही जाते हैं, और जैसे कि मैंने बोला कि जो एडजस्टमेंट रिलेट कर रही है उस अकाउंट से, चाहे वो आपने पे नहीं की है लेकिन वो आउटस्टैंडिंग है, या आपने पे कर दी है प्रीपेड है और वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करती है, उनकी एडजस्टमेंट भी आपको यहाँ पे लिखनी होगी। तो मतलब कि जो आपका कैश है या आउटस्टैंडिंग है वो सारी आइटम्स यहाँ पर रिकॉर्ड होंगी। अगर आपने कोई एक्सपेंस कैश में इनकर नहीं भी किया है तब भी आपने उसे यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। जैसे अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है उसके लिए आपने कैश पे नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग है वो, तो उसे भी डेबिट साइड पर लिखा जाएगा। सेम तरीके से कोई इनकम का आइटम है उसे आपने रिसीव नहीं किया है कैश में, लेकिन स्टिल उसे आपने इस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना है। ये जो अकाउंट आपका प्रिपेयर होता है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से प्रिपेयर होता है, और जो भी आपकी नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन होती है उससे प्रिपेयर होता है। अगर जो क्रेडिट बैलेंस है इस अकाउंट का उसे हम एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कहते हैं, और अगर डेबिट है तो इसका मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम है। जो भी बैलेंस इस अकाउंट का होगा उसे आप शो करेंगे, मतलब जो भी सरप्लस या फिर लॉस जो आपका आएगा, लॉस को हम यहाँ पे डेफिशिएट लिखते हैं। जैसे आप पीएनएल अकाउंट जब बनाते हैं तो वहाँ पे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस लिखते हैं, तो यहाँ पे जो टर्म यूज़ होती है जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो सरप्लस या फिर डेफिशिएट जो टर्म है वो आप यूज़ करते हैं। और उसी तरीके से जैसे हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो जो हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होता था उसे हम ट्रांसफ़र करते थे बैलेंस शीट में, कैपिटल में आप उसे एडजस्ट करते थे प्लस या माइनस करके। सेम तरीके से जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसमें जो आपका सरप्लस और डेफिशिएट होता है उसका बैलेंस आप ट्रांसफ़र करते हैं बैलेंस शीट में। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो बैलेंस शीट है उसमें आपका कैपिटल नाम से अकाउंट नहीं होगा, वहाँ पे हमारा कैपिटल फंड टर्म यूज़ होता है। कैपिटल फंड में हम सरप्लस को ऐड करते हैं और डेफिशिएट को माइनस करते हैं। जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस है उसकी एडजस्टमेंट जो भी आता है आपका सरप्लस या डेफिशिएट, उसे आप जो बैलेंस शीट है उसमें प्लस या माइनस करेंगे। तो साइलेंट फीचर्स क्या हैं इस अकाउंट के, डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस आप लिखते हैं और क्रेडिट साइड पर सारी इनकम्स एंड गेन्स जो भी उस रिलेटेड ईयर से रिलेटेड है उसे आप रिकॉर्ड करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है, कैपिटल आइटम्स को इसमें आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक बैलेंसेस का आप इसमें शो नहीं करते हैं। डेप्रिशिएशन फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, प्रोविजन बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स का, अदर एडजस्टमेंट जैसे आप पी एंड एल अकाउंट में करते हैं वो सारी एडजस्टमेंट यहाँ पर भी की जाती है। देन जो क्रेडिट बैलेंस है इस अकाउंट का वो शो करता है आपका एक्सेस इनकम का ओवर एक्सपेंडिचर, और अगर डेबिट बैलेंस है तो वो शो करता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। डिफरेंस क्या है बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? पहले बात करते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डिफरेंस की। तो जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वो समराइज्ड स्टेटमेंट है आपकी कैश ट्रांजैक्शन की पर्टिकुलर पीरियड के लिए, जबकि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो आपका जस्ट लाइक पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है जिसे हम आर एंड पी अकाउंट भी कह देते हैं, ये आपका शुरू होता है विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश brought over from the preceding period, जबकि जो आपका income and expenditure account है वो आप उसमें आप जो opening balance है cash और bank का वो show नहीं करते हैं। Then जो आपका receipt and payment account है, debit side जो है इस account की वो record करती है cash receipts को, और credit side record करती है cash पेमेंट्स को। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें डेबिट साइड पे आप एक्सपेंडिचर और लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं, और क्रेडिट साइड पे आप इनकम एंड गेंस को रिकॉर्ड करते हैं। आर एंड पी अकाउंट में आप करंट पास्ट और फ्यूचर तीनों चीज़ों के से जो भी आपको रिसिप्ट और पेमेंट हुई है जो रिलेट करती है वो आप लिखते हैं, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ जो करंट पीरियड है
जो अकाउंटिंग पीरियड है उसकी आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है। आरएनपी अकाउंट में दोनों कैपिटल और रेवेन्यू नेचर की आइटम्स रिकॉर्ड होती है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।